हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस्ता चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट करियर ऑप्शंस को लेकर अनजान रहते हैं और वो हार्डली दो तीन ऑप्शंस के बारे में ही जानते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट एंड सो ऑन, और यही कारण है क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी अच्छा करियर नहीं बना पाते हैं। सेम वे से कंप्यूटर फील्ड में भी सिमिलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स भले ही BCA, MCA या सब कर कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंप्यूटर फील्ड में कई सारे जॉब्स हैं, कई सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिस पे वो अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। और भले ही वो MCA कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये सब करियर ऑप्शन से रिलेटेड अनजान रहते हैं, जिसके कारण बस बहुत सारे MCA पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। इसीलिए मैं आज यह वीडियो सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डिफरेंट वेरी पॉपुलर IT जॉब्स को लेकर और उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं IT जॉब्स की लिस्ट को। सपोर्ट स्पेशलिस्ट। सपोर्ट स्पेशलिस्ट वो जॉब होता है जिसमें जो इंजीनियर है, जो सपोर्ट इंजीनियर है, वह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करता है, या फिर जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर उनके हार्डवेयर कंप्यूटर्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर। इस जॉब में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज आते हैं उसको भी कोडिंग करके फिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वह है IT एश्योरेंस टेस्टर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है कि क्वालिटी को एंश्योर करना, उसको थॉरली टेस्ट करना और जो भी बग्स हैं उन बग्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वह वेब मानी इंटरनेट में जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज हो रहे हैं उसके लिए ये कोडिंग का वर्क करते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती है, जैसे कि HTML, CSS, Java, PHP, .NET। नेक्स्ट जो जॉब है वो है IT टेक्नीशियन का। IT टेक्नीशियन वो सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो कंप्यूटर के इश्यूज को आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसको फिर फिक्स भी करते हैं। IT टेक्नीशियन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके इश्यूज को भी फिक्स करते हैं और उसको रिजॉल्व करके क्लाइंट को हैंडओवर करते हैं। इन सम केसेस ये जो टेक्नीशियन होते हैं ये जो कंपनी के एम्प्लॉय को और यूजर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट जो कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के उनको थॉरली समझते हुए, डिजाइन करते हुए उसका सॉल्यूशन बनाकर वह एंड यूजर को या क्लाइंट्स को देते हैं। और नेक्स्ट जॉब है नेटवर्क इंजीनियर। क्योंकि सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, का जो नेटवर्किंग है इस नेटवर्किंग को स्मूथ ऑपरेशंस में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क इंजीनियर्स के, जो IT के जो सिक्योरिटी वाले जो एनालिस्ट हैं उनके साथ वर्क करके ये सब चीज़ को अचीव करते हैं। नेक्स्ट है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स। जी हाँ, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स जो होते हैं वह पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर है उसका जो लुक एंड फील है, उसकी जो यूजेबिलिटी है, उस पर वर्क करते हैं। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाने में UX डिजाइनर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंश्योर करता है कि जो भी कंपनी का या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी डेटा है वह सेफ और सिक्योर रहे। नेक्स्ट है IT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो ये जो IT सिक्योरिटी के जो स्पेशलिस्ट हैं ये एंश्योर करते हैं कि यूजर से रिलेटेड डेटा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा, क्लाइंट से रिलेटेड डेटा सब कुछ सिक्योर रहे, कि कोई हैकर उसको हैक न कर सके, कोई कंप्यूटर में कोई वायरस उसको करप्ट न कर सके। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करके ट्रेंड को ऑब्जर्व करना, सो दैट उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करके सीनियर मैनेजमेंट है कंपनी के वो लोग डेटा साइंटिस्ट का जो आउटपुट होता है उसके बेसिस पे कंपनी के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल है IT मैनेजर या डायरेक्टर। IT मैनेजर और जो डायरेक्टर्स हैं यह सीनियर मैनेजर्स, ये मैनेजमेंट वाली पोजीशन में होते हैं। ये लोग
जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेस्टर्स, डिजाइनर्स हैं, सभी लोगों के साथ वर्क करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वह एक बजट के तौर के अंदर, एक टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टर्स, दूसरा है वेब एडमिनिस्ट्रेटर। वेब एडमिनिस्ट्रेटर यह एक्चुअली जो भी वेब में जो भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी चीज़ों में जो सिक्योरिटी रिलेटेड, परमिशन रिलेटेड, उस सब चीज़ों को एडमिनिस्टर करते हैं। बाद में डेटा क्वालिटी मैनेजर, डेटा क्वालिटी का जो मैनेजर है यह अपनी टीम के साथ वर्क करके इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट है आईटी कोऑर्डिनेटर। आईटी कोऑर्डिनेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो एक्चुअली डेवलपर्स, टेस्टर्स, वेब डिजाइनर्स और आईटी मैनेजर सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड सिस्टम इंजीनियर। क्लाउड एनवायरनमेंट में ये क्लाउड के जो इंजीनियर्स है वो वर्क करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि क्लाउड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वह एंड यूजर्स को बहुत स्मूथली मिल सके। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट इंश्योर करते हैं कि जो नेटवर्क का डिज़ाइन है वह बहुत ही रोबस्ट हो, वह बहुत ही प्रॉपर हो, सो दैट नेटवर्क में किसी प्रकार का परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू ना आ सके। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट आईटी के जॉब्स के बारे में जानकारी यूजफुल लगी होगी। इस चैनल में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।